हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन पहली है कि एफ और जी क्या है, आपके पास इंटीग्रेबल हो रही हैं। तो सी एफ, देखो ये थ्योरम हम बार बार प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। प्लस जी वी एफ लेस देन इक्वल टू सी, ये सभी हमने प्रूव कर ली है वन बाय वन करके। सिर्फ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स देने हैं, ठीक है। तो आई होप ये तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम मैं स्टार्ट करती हूँ कि एफ कोई मिजरेबल फंक्शन है और ई, एंड एफ इज इंटीग्रेबल और ई इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस एफ इज इंटीग्रेबल और ई, दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स, ठीक है। व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड्स, एफ इंटीग्रेबल दे रखा है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इस थ्योरम का भी कि एफ अगर इंटीग्रेबल ओवर ई है, ठीक है भाई। एफ क्या है, एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। इसका मीनिंग क्या है, अगर एफ इंटीग्रेबल ओवर ई है मीन्स उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेबल है ओवर ई। इट मीन्स दैट इंटीग्रल ओवर ई लेस देन इन्फिनिटी और पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन इन्फिनिटी, इंटीग्रेबल का यही मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेबल ओवर ई मॉडुलस एफ को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेबल ओवर ई एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव, ठीक है। ये जो हमने थ्योरम किया है उसका टेंथ थ्योरम का बी पार्ट हमने यूज किया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देयरफॉर अब देखो ये दोनों इनफाइनाइट मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, इट मीन्स दैट इंटीग्रल ओवर ई एफ लेस देन इन्फिनिटी, यही आपको प्रूव करना था, है ना, इंटीग्रेबल ओवर ई दिखाना था आपको। नेक्स्ट है इसके अंदर आपको क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट पार्ट है कि हैंस ये तो आपका इंटीग्रेबल हो गया, लेकिन कन्वर्स अगर आपका मॉडुलस एफ इंटीग्रेबल है तो आपको एफ को क्या दिखाना है, इंटीग्रेबल, ठीक है भाई। वो कैसे प्रूव करेंगे देखें, आपको पता है कि एफ पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है और अपने मॉडुलस से ऑलवेज छोटा होता है ना, या बराबर। इम्प्लाइज दैट एफ पॉजिटिव इज इंटीग्रेबल, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेबल है, कोई फाइनाइट वैल्यू से लेस रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, एफ पॉजिटिव आपका लेस देन इनफाइनाइट हो गया, है ना। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि एफ पॉजिटिव आपका क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। सिमिलरली अगर एफ नेगेटिव आपका इंटीग्रेबल है तो एफ भी क्या हो गया, सिमिलरली आपका दूसरा जो पार्ट है एफ नेगेटिव पार्ट वो भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। इट मीन्स दैट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट इंटीग्रेबल है तो एफ भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल, ठीक है भाई, इंटीग्रेबल हो जाएगा। उसके बाद है कि मोर ओवर एफ इज इंटीग्रेबल सिंस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ into x, the property which satisfied that f less than equal to z almost everywhere, then integral over f less than equal to integral over g implies integral over f less than equal to integral over modulus f। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे दो फंक्शन लेने की बजाय f और modulus of f, है ना। g का काम कौन कर रहा है, modulus of f कर रहा है। तो integral over f लेस है, अगर ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है तो आपका ये कंडीशन होल्ड करती है। तो इसके बिहाफ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर एफ और लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर मॉडुलस ऑफ एफ, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि भाई आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहां से भी क्या आ गया, इंटीग्रल ओवर एफ नेगेटिव लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ, ठीक है। यानी कि अब देखो नेगेटिव और वो था आपका पॉजिटिव, यानी कि इंटीग्रल ओवर इंटीग्रेशन एफ मॉडुलस लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ एफ, ये आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स को आपने लेस देन दिखा दिया तो ये आपका प्रूव हो गया। फर्दर अगर आपका इंटीग्रल ओवर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उस केस में मॉडुलस का मीनिंग खत्म हो जाता है, है ना। इंटीग्रल ओवर ई इज इक्वल टू एफ के बराबर आ जाता है, क्योंकि इसमें अगर ग्रेटर देन है तो मॉडुलस क्या आएगा, सभी का एफ ही आएगा। गिव्स दैट इंटीग्रेबल इंटीग्रल एफ माइनस एफ क्या आ गया, जीरो, ठीक है। यानी कि इंटीग्रल ओवर एफ मॉडुलस ऑफ एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है भाई। इसका मीनिंग क्या है, ये जो मॉडुलस ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ इम्प्लाइज एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
सिमिलरली आप लेस देन इक्वल टू के लिए भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिमार्क है छोटे छोटे कि लीबेग जो इंटीग्रेशन होता है इज एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन इन द सेंस दैट एफ इज लीबेग इंटीग्रेबल इफ एफ इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस एफ इज सो। इन अदर वर्ड्स द लीबेग इंटीग्रल इंटीग्रेट्स ओनली दोज फंक्शन हुज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और ऑल्सो इंटीग्रेबल। हाउ एवर दिस is not always true in the case of Riemann. Riemann की बात आएगी तो वहां पर ये true नहीं है क्योंकि ये Liebig है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है next, ये कुछ एक आपके questions है, so that this function fx ये है not Liebig integrable, तो इसका हमें क्या दिखाना है, इट इज सफिशियंट टू शो दैट। अगर हम मॉडुलस इन्फिनिटी दिखा दें तो आपका काम पूरा हो जाएगा कि ये आपका इंटीग्रेबल लीबेग नहीं होगा, क्योंकि लीबेग होगा तो ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है नोट लीबेग दिखाना है आपको, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर जीरो से एन पाई रखेंगे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स को समीशन के वन से इन्फिनिटी के माइनस वन से के माइनस वन पाई से के पाई, ठीक है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब के वन से एन जीरो से पाई हो जाएगा क्योंकि k जो 1 से स्टार्ट किया है आपने, तो हम इसमें क्या रखेंगे भाई, x को हमने रखा, देखो x को हमने क्या पुट किया इसके अंदर, ये था हमारे पास समीशन जो कंसिडर किया था आपने इंटीग्रल समीशन k 1 से n k माइनस वन पाई इंटू के पाई मॉडुलस ऑफ साइन x बाई x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये चीज हम समीशन k 1 से n जीरो से पाई रखा, और क्यों रखा, क्योंकि एक्स को हमने, ये किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है, इसको जीरो से स्टार्ट करना है, तो एक्स को मैंने पुट किया जेड प्लस के माइनस वन इंटू पाई। जब मेरा एक्स इसको टेंड करेगा तो जेड किसको करेगा, जीरो को, सिमिलरली दिस, इसमें आप चेंजमेंट कर देना, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा साइन जेड प्लस के माइनस वन इंटू पाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ साइन जेड इंटू वन बाई के, और पाई बाहर आ गया आपका, ठीक है, वन बाय पाई समीशन मॉडुलस ऑफ साइन जेड की वैल्यू क्या रखी इसने भाई, मॉडुलस ऑफ साइन जेड डी जेड को रखा इसने टू, बिटवीन टू पाई, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो जीरो से पाई। तो मेरे हिसाब से साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव ही होता है, साइन का डेरिवेटिव कर दो, है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस जेड, और जीरो से पाई कोस पाई माइनस वन, और कोस जीरो वन किया जाएगा, माइनस टू आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे लेकिन इसमें प्लस का कर रखा है भाई, है ना, जीरो से पाई अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन भी तो माइनस होता है, माइनस कोस, है ना, तो ये वाला इंटीग्रेशन आप सोल्व करके कर लोगे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट फोरम सिमिलरली, तो कल जो आपको काम करना है वो कहां तक का करना है भाई, ठीक है, ये जो थ्योरम्स हैं एफ इज इक्वल टू, ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं सारी, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव, सो दैट इफ एंड जी आर मिजरेबल फंक्शन मॉडुलस ऑफ एफ लेस देन इंटीग्रेबल देन ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड जी इज इंटीग्रेबल देन एफ इज ऑल्सो इंटीग्रेबल विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है, जी अगर इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, अगर जी इंटीग्रेबल है और जी लेस देन इसके है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ होता है, इसका मीनिंग मॉडुलस ऑफ जी आ गए। ये छोटी छोटी थ्योरम है जिसको करवाने की आपके पास करवाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है भाई, कल का दिन और लगा लेंगे इस पे, लीबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लीबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम, कि जी कोई भी इंटीग्रेबल है ओवर ई, एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन सच दैट एफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑन ई एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई कल का काम आपका रहता है, बाकी आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट डे से हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सिंपल है, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे भी करो भाई, तैयारी करो जल्दी से अपने एग्जाम्स की, कभी भी शुरू हो सकते हैं आपके एग्जाम, ठीक है, थैंक यू।